भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा, भगवान राम की संतानें लव और कुश का क्या हुआ होगा और सूर्य वंशों का वंश आगे कैसे बढ़ा होगा। तो मित्रों, अगर आप भी इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। जब भगवान राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला और उन्होंने कुमतावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने और ये वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहद्बल तक, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी थे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपको बता दें कि जब राम ने अपने बाद भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण में। रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है और कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान का शहर लाहौर ही है। यहाँ एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहाँ इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़ गुजर जायस और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिनमें बैंसला और गोहिलुन वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ भी फैलाया। ऐसा माना जाता है राजा कुश के मरने के बाद उनके पुत्र अतिथि को राजा बनाया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह वीर शासक और योद्धा थे। कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की अगुवाई में उन्होंने कुशल तरीके से राजपाट किया और अपने पूर्वजों के गौरव को आगे बढ़ाया। वहीं अतिथि के बाद उनके पुत्र विषाद राजा बने और वे भी अपने पूर्वजों की भांति ही वीर राजा थे, जो अयोध्या के प्रति हमेशा तत्पर रहे। उनके बाद उनके पुत्र नल को राजा बनाया गया, लेकिन राजा नल को राजपाट में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी और वे ऋषि मुनियों के साथ तपस्या के लिए वन चले गए। राजा के जाने के बाद अयोध्या की प्रजा को देखने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण उनके पुत्र नभ को बालपन में ही राजा मान लिया गया। धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है कि नभ को सिर्फ 12 साल की आयु में ही अयोध्या का राजा बना दिया गया था और इस तरह रघुकुल के वंशज आगे बढ़ते बढ़ते द्वापर युग यानी कि महाभारत काल तक आ पहुंचे। उस समय रघुकुल के राजा बृहद्बल थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बृहद्बल और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बीच भीषण युद्ध हुआ और अभिमन्यु के घातक बाण से बृहद्बल वीरगति को प्राप्त हुए।